आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। राजस्थान प्रभारी जमाकर ने अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से किया संवाद, जिलेवार नेताओं से लिया फीडबैक। सीएम अशोक गहलोत ने जिले भर के किसानों से किया संवाद, कहा हर जिले में गठित होगा कृषि प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ। राजस्थान विश्वविद्यालय ने जारी किया टाइम टेबल, 15 अक्टूबर तक चलेंगे परीक्षाएं, यूजी और पीजी स्वयं पाठी विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली बात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद में कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेयजल के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलों की बजाय मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल करें। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर आज बीएमसी ने कार्रवाई की। इस दौरान उनके दफ्तर का काफी हिस्सा ढा दिया गया। इस पर सभी लोगों की मिलीजुली अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कंगना रनौत ने मुंबई पहुंचते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कंगना ने कहा कि आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। दूसरी तरफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहीं अभिनेत्री के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी ने उनके बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिरा दिया। इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। वहीं इस मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना कहा कि उनके बयानों को अनुचित महत्व दिया जा रहा है। पवार ने कहा कि लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। अंबिकापुर में पूर्व नक्सली अभय नारायण पांडे के घर से संदेहास्पद चीजें बरामद हुई हैं। पांडे के घर से नक्सलवाद से संबंधित पर्ची बरामद हुई। इस मामले में अभय नारायण पांडे को केंद्रीय जेल में भेज दिया गया था। वहीं अभय नारायण पांडे फर्जी आरटीआई कार्यकर्ता बनकर जनपद पंचायत के सभी अधिकारियों को सूचना के अधिकार के तहत परेशान कर रहा था। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को खुलेआम घूमता देखकर ये अधिकारी और कर्मचारी को यूं ही डराते हैं, इससे आम जनता में खौफ का माहौल पनपता है। वहीं डर के मारे अधिकारी इनके खिलाफ कदम उठाने से भी घबराते हैं। प्रदेश के विकास के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15 बिंदुओं का एक एजेंडा तैयार किया है, जिसके आधार पर अगले 4 साल में विकास से जुड़े कार्य राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से किए जाएंगे। बतौर राज्यपाल 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल प्रेस से मुखातिब हुए। इस दौरान प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी राज्यपाल ने लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को ही जिम्मेदार ठहराया और जागरूकता कार्यक्रम पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि शुरुआत में राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने भी गाइडलाइन बनाई, लेकिन अब लोग उसमें लापरवाही करने लगे हैं, जिसके चलते इसका संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि इस दिशा में प्रदेश सरकार जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है, लेकिन इस दिशा में और अधिक काम करने की जरूरत है। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बिठाने के उद्देश्य से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज अजमेर दौरे पर रहे। अजय माकन के साथ कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद रहे। जिले में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन संभाग के जिलेवर स्थानीय घनिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया। वहीं होटल के बाहर पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के समर्थक शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। पायलट समर्थक नारेबाजी करने के साथ ही गहलोत समर्थक स्थानीय नेताओं के पोस्टर भी फाड़ते नजर आए। इस बीच पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए उपद्रव कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान के प्रगतिशील किसानों से बातचीत की। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों से संवाद किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के लिए सभी जिलों में कृषि प्रोसेसिंग प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ किसानों को उपज का पूरा लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही गांव का किसान गांव में रहकर एक अच्छा उद्यमी बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश भर से जुड़े 428 किसानों से सीधा संवाद किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अब कोविड-19 से सही होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि वे अभी एक सप्ताह के लिए दिल्ली स्थित आवास पर होम क्वारंटीन हैं और इस दौरान वे किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे और मंत्रालय या पार्टी संबंधी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल होंगे। ये जानकारी कुछ शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए साझा की। शेखावत ने कहा कि कोविड-19 के लक्षण ठीक होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर फिलहाल आगामी एक सप्ताह के लिए होम आइसोलेशन में ही रहकर अपने कर्तव्यों का पालन घर से ही करेंगे। प्रदेश भाजपा का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम अब उपखंड से जिला स्तर की ओर बढ़ेगा। कार्यक्रम के तहत गुरुवार को पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पर एकजुट होकर सरकार का विरोध जताएंगे। इस दौरान न्यायाधीश के माध्यम से सरकार तक वादा खिलाफी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। 10 सितंबर को प्रदेश भर में जिलाधीश कार्यालयों पर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। पार्टी के नेता कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। गुरुवार को होने वाले हल्ला बोल के दौरान संबंधित जिलों के सांसदों, जिलाध्यक्षों, महामंत्रियों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के एग्जाम का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। फाइनल ईयर की परीक्षाएं 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आयोजित होंगी। परीक्षा प्रतिदिन 3 पारियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पेपर 2 घंटे का होगा। इसके साथ ही प्रत्येक पेपर में विद्यार्थियों को 3 सवालों का जवाब देना होगा। इस साल सेक्शन वाइज प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य नहीं है। परीक्षाएं प्रतिदिन 3 पारियों में आयोजित होंगी। परीक्षा सुबह 8 से 10 बजे तक और फिर 12 से 2 और शाम को 4 से 6 तक आयोजित होगी। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को अगले 15 दिन में प्रमोट करने का फैसला किया है। डीग में सरकारी कर्मचारियों ने एक दिन के वेतन के कटौती के विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समस्त विभागों में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों व अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने ये ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों के एक दिन के वेतन कटौती एवं उपार्जित अवकाश के भुगतान पर रोक के विरोध में उपखंड अधिकारी कार्यालय पर राज्य सरकार के आदेशों की होली भी जलाई। इस दौरान समस्त कर्मचारियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। इस अवसर पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ मंत्री कीर्ति जोशी, मनोज जैन, प्रदीप सिंसिनवार, विजेंद्र शर्मा सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। एक दिन की वेतन कटौती एवं 15 दिन के जो उपार्जित अवकाश हैं उनके विरोध में श्रीमान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें श्री मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर विरोध जताया गया है, जिसमें एक दिन का जो वेतन है उसकी कटौती रोकी जाए और 15 दिन का जो उपार्जित अवकाश है उसको दिया जाए। इसमें आज उपखंड अधिकारी डी हेमंत कुमार जी को ज्ञापन देकर और होली जलाई गई, आदेशों की होली जलाई गई। कोविड-19 के नाम पर सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती का विरोध लगातार सब जगह अब होने लगा है। रेनवल के निकटवर्ती ग्राम हिंगोनिया में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने वेतन कटौती किए जाने के आदेश की होली जलाकर विरोध जताया। ये विरोध प्रदर्शन जिला ग्रामीण मंत्री भागचंद तंवर के निर्देश पर हुआ। भागचंद तंवर ने बताया कि महासंघ की बिना सहमति के कर्मचारियों का वेतन कटौती करना राज्य के लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय है। अगर राज्य सरकार कटौती के आदेशों को वापस नहीं लेगी तो कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की खुद की होगी। एक ओर जहां आधुनिकता की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहीं इस दौर में भी एक और महिला बलि चढ़ गई दहेज लोभियों की। भरतपुर के वैर में रहने वाले राजीव शर्मा ने अपनी मृतक बहन के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया है।
मृतक मीनू कुमारी की शादी 2 साल पहले वैर के देवेंद्र पाठक के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। विवाह में हैसियत के हिसाब से दहेज दिया गया था। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वाले दहेज के नाम पर उसके साथ मारपीट करने लगे। वे उससे 3 लाख रुपए और एक गाड़ी की मांग कर रहे थे। प्रार्थी का 1.5 साल का बेटा भी है। दहेज के लालची लोगों ने 24 अगस्त 2020 को मीनू कुमारी की गला घोट कर हत्या कर दी और आनन फानन में दाह संस्कार भी करा दिया। विवाहिता के भाई ने बहन के ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।